कलकत्ता के कटलेट्स की हो या फिर मद्रास के चिकन कोरमा की, भारत के कुकिंग स्टाइल को कहीं ना कहीं ब्रिटिश और फ्रेंच कुकिंग स्टाइल ने टच किया है। ले चलते हैं आपको हॉलिडे इन, जहां पर आपको मिलेगा एंग्लो इंडियन फूड फेस्टिवल का जायका। इंडियन मेन्यू की हम बात कर रहे थे, उसे हॉलिडे इन के लिए खास तौर पर डिजाइन किया है एग्जीक्यूटिव शेफ पाई ने। चलिए उनसे बात करेंगे। शेफ, क्या खास रहेगा इस कुजीन में? जब अंग्रेज के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे अंग्रेज आए थे यहाँ पर, और उन्होंने अपना कल्चर, अपना खाना सब साथ में लाए थे, और खाना बनाने वाले लोग कौन थे? हमारे इंडियन। और ये सारे क्लब जब खुल गए और उनको खाना बनाना पड़ा, तो उनका रोस्ट चिकन बना हल्दी मिर्च के साथ, उनके बेक डिशेस बनी चिली और मसाले के साथ, और एक नई क्विजीन तैयार होगी जिसे कहते हैं एंग्लो इंडियन क्विजीन। तो नवाबों की तरह खाना है तो जरूर यहाँ आइएगा। चले कुछ डेलिकेसीज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कुछ खास रहेगा इस क्विजीन? पहले तो हम देखते हैं ये रोस्ट चिकन। यहाँ पर आपने देखा है कि इसमें मसाला पड़ा हुआ है, हल्दी मिर्च, और उसी तरह से बना ये ओरिजिनल जैसे उन सालों में बनता था कॉलोनियल ब्रिटिश टाइम पर। आगे कौन कौन सी डेलिकेसीज? अभी ये नेक्स्ट डिश जो आप देख रहे हो ये है बेक्ड वेजिटेबल। ये ऊपर इसकी जो लेयर है ये बेक्ड पोटैटो यानी मैश्ड पोटैटो से दिया हुआ है। ये नॉर्मल कोई फ्रेंच क्विजीन या इंग्लिश क्विजीन में होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें हमने करी पाउडर डाला है और ये पोटैटो में हल्का सा मसाला चिली फ्लेक्स डाला है। तो वापस फ्यूजन दो क्विजींस का। विदेशी फॉर्मेट में बना है लेकिन तड़का अपने इंडिया का है, तो देसी तड़का यहाँ पर लग रहा है हर डिश में। ये मुझे दिखाई दे रहा है रेलवे मटन करी, ये क्या रेलवे पेंट्री में मिलती है? आप सही कह रहे हो। जैसे आपको पता है कि तब रेल्स इंडिया में आई, उन्होंने सारे नई रेल लाइंस आए, उनको क्या था हर जगह बढ़िया खाना खाना था, और ये रेल पेंट्री में ये डिश की पैदाइश हुई। आगे क्या क्या है? आगे आप ये डिश देख रही हो, रंग बिरंगी डिश है, इसे जालफ्रेजी कहती है, और जालफ्रेजी का इन्वेंशन तभी हुआ। जालफ्रेजी डिश ऐसे बनी कि ये स्टर फ्राई डिश है, आप केवल अलग अलग तरह की सब्जियां लो, इसे एक कढ़ाई में स्टर फ्राई करो। रंग बिरंगे खाने की हमने बात की, कुजीन की बात चल रही है, फूड फेस्टिवल की बात चल रही है। अच्छा शेफ, यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है मटन चॉप, या इसे आलू चॉप भी कह सकते हैं, और ये पोटैटो प्लेन नहीं है, इसमें हल्दी मसाला पड़ा हुआ है, ये उबला हुआ पोटैटो, इसको मैश किया गया है, और ये है भार का कवर, और वो भार का कवर उसे लेगा, उसकी गोली बनाएगा वो, और फिर उसको डीप फ्राई करेगा। ओके, और कीमा जो है, कीमा बिल्कुल प्याज अदरक लहसुन टमाटर कीमा जैसे हम बनाते हैं घर में, बिल्कुल सूखा बनाया जाएगा, और उसको स्टफ किया जाएगा, कीमा ऐसे डाल के उसे बंद किया जाता है, फिर उसको आप बाहर से कोटिंग दिया जाता है, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेड फ्लावर एंड एग डस्टिंग, फिर उसको ब्रेड क्रम्स या जैसे मैंने बताया रवा में आप डालिए, और फिर डीप फ्राई किए। आलू चॉप हमारा रेडी हो चुका है। तो एंग्लो इंडियन क्यूजीन का आलू चॉप मेरे हाथ में है, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। वाकई लग रहा है कि अगर आप नवाबों की तरह वाइस रॉयज लंच लेना चाहते हैं तो हॉलिडे इन आइएगा, इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिएगा जो जनवरी एंड तक हॉलिडे इन में रहेगा।